आजकल हमारा एक कदम घर के अंदर और एक कदम घर के बाहर होता है, तो चलिए आज हम चलते हैं शॉपिंग पर। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं आरसीजी शॉपिंग करने, क्योंकि अम्मी जी को कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, तो हमने सोचा कि चलें हम मिलकर शॉपिंग करते हैं। तो वैसे भी हमारा कुछ आउटिंग का प्लान बन रहा था, तो बस हम आ चुके हैं आरसीजी शॉपिंग करने। दिस इज़ लोकेटेड इन दी ग्राउंड, कोहिनूर सिटी, फैसलाबाद। काफ़ी लोगों को पता होगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्टाइलिश से कपड़े मिल जाते हैं, तो हमें कुछ डिज़ाइनर ड्रेसेस चाहिए थे, तो चलें अंदर चलते हैं और फिर ढूंढते हैं कोई अच्छा सा ड्रेस। पैसे लूटने के अच्छे खासे तरीके आते हैं इन शॉपिंग मॉल्स वालों को, सामने ही बहुत ही अट्रैक्टिव सी चीज़ें रख देते हैं ताकि लोग ना भागे भागे आएँ और उनका दिल करे ये सब परचेज करने को। बहरहाल हम अपनी आंखें चुराते हैं और यहाँ से आगे चलते हैं। कहना क्या चाहते हो? पहली बार देखा है कि कोई बंदा सामने बैठ के एम्ब्रॉयडरी कर रहा है और डिज़ाइनर ड्रेस बना रहा है, ये भी कमाल की चीज़ है जनाब। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ कपड़े वगैरह शॉपिंग करनी, कपड़ों की शॉपिंग करनी है, तो देखते हैं हमें कुछ पसंद आता है कि नहीं। कपड़े तो खैर बहुत ही प्यारे प्यारे नज़र आ रहे हैं, बुटीक स्टाइल के और कैजुअल वेयर हैं, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन प्राइजेस भी बहुत हाई हैं, आपकी पहुंच से बाहर हैं। मुझे तो ये येलो ड्रेस बड़ा प्यारा लग रहा था, बट मैंने कोई नहीं लिया क्योंकि बड़े हाई प्राइस थे। बहरहाल यहाँ पर तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके सेकेंड फ्लोर पर देखते हैं तो शायद कोई चीज़ पसंद आ जाए। या तो कलर का इशू होता है या साइज़ का, यही दो मसले होते हैं और हम औरतों को तब तक चैन नहीं आता जब तक कि हम घूम फिर के अच्छी तरह से तसल्ली करके शॉपिंग ना कर लें। क्या ख्याल है, अग्री करते हैं आप मुझसे? अभी हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर ना मुझे ये फ्रॉक बहुत प्यारी लग रही है बच्चों के लिए, तो मेरी बेटी को बड़ी पसंद आ गई है, लेके दूंगी ईद पर। अभी तो मैं सिर्फ देख रही हूँ, थोड़ा आइडिया ले रही हूँ। लेट्स सी आपको पसंद आ रही है कि नहीं। मुझे तो ये लॉन्ग ड्रेस बहुत ही प्यारा लगा, बट इसके प्राइस माशाल्लाह 3500 ओनली फॉर वन फ्रॉक। लेकिन फ्रॉक क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, इतना आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। और बस फिर आगे जाके देखा है तो बच्चे ना अब बड़े हो गए हैं, तो उनको अपने मतलब के ड्रेसेस मिल गए, तो मैंने कहा चलो ड्रेस तो लेना नहीं, सेल्फियाँ ले लेते हैं। अब हम चले गए थे मीडिया कॉम। आरसीजी से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, हमारे मतलब की कोई चीज़ नहीं मिली, तो अब हम आगे थे मीडिया कॉम। मीडिया कॉम बिल्कुल आरसीजी की अपोजिट साइड पर है और थोड़ा सा डिस्टेंस ही है। यहाँ पर अब हम डिज़ाइनर ड्रेसेस देख रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेसेस फाइनल हो चुके थे। मानू रिमान की कज़न्स के लिए ड्रेसेस लिए थे, तो बस अब शॉपिंग कर ली है। और शॉपिंग करने के बाद ये कैसे हो सकता है कि हम लोग शॉपिंग करें और भूख ना लगे। तो अब हम आ गए थे खाना खाने, बिल्कुल पुराना सा एक रेस्टोरेंट है गुजरांवाला टिक्का शॉप। और मेरी शादी के बाद ना मेरी जो फर्स्ट बर्थडे थी मैंने यहीं पर खाना खाया था, और जगह इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन यकीन करें खाना बहुत ही टेस्टी होता है। और ये देखिए कितने प्यारे सनफ्लावर्स हैं ना, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। बेशक जगह जितनी भी पुरानी हो, लेकिन अगर खाना टेस्टी है तो आई थिंक आप लोग जगह का कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मज़ेदार सा डिनर इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़े की जलफ्रेजी भी ऑर्डर की थी और टिक्के कबाब और साथ में थोड़ी चिकन हांडी भी थी। और इनके जो तंदूरी पराठे हैं ना, उनकी तो क्या बात है, बहुत ही टेस्टी। अगर आप लोग भी फैसलाबाद में हैं तो एक बार मेरे कहने पर यहाँ पर खाना ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अपनी फैमिली को लेकर आएँ।
वीडियो तो आप लोग मेरी वॉच करते ही हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोग वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं, इसलिए आपको बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है। तो चलें जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को कर दें लाइक। मैं आपसे मिलूंगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टाटा बाय बाय।